हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों? देखिए, अभी मौसम ख़राब चल रहा है। जो बिजली है, लाइट है, उनका तो पता नहीं है कब आए कब नहीं आए। तो देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, पेपर पे वीडियो बना के बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से हम जो टॉपिक चल रहा था हमारा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो था हमारा टॉपिक टेंस। बच्चों, टेंस हम पढ़ रहे थे और टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ लिया था, ठीक है ना? प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने पढ़ लिया था, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में उसका पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया था बच्चों, हमारा टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट TINUOUS, कंटिन्यूस टेंस। यानी बात करें तो जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टेंस में प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। बच्चों, इस प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर एक बात आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमने जो इसका जिसके एक बार फिर से बता देता हूँ, इसके बारे में हमने जो है इसकी आइडेंटिटी जाना था। आइडेंटिटी यानी कि पहचान, कि हिंदी वाक्य जितने भी होते हैं उन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। यानी बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये हिंदी वाक्य के अंत में ये पहचान आती है। फिर हमने बच्चों इसमें देखा था हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। तो देखिए, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग किया था इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था कि इसका जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, एम का जो प्रयोग होता है वो आई के साथ होता है, और आर का जो प्रयोग करते हैं वो आई को छोड़ के जितने प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ उसका प्रयोग किया जाता है। आ गया समझ में आपको? फिर हमने देखा था इसमें मैन वर्ब, मैन वर्ब का जो प्रयोग, मैन वर्ब जो आती है इसमें बच्चों, वो आती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी कहे तो फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कैसी होती है? इसमें मैंने गो लिखा और उसमें आईएनजी लगा दिया तो ये बन गया गोइंग। तो बच्चों, ये ऐसी क्रियाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है। आ गया होगा समझ में? इसके बाद जो हमने इसमें जाना था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसका पॉजिटिव सेंटेंस। बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में हम बात करें कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो प्रयोग किया जाता है, देखो बच्चों एक बात बता देता हूँ मैं आपको, इसमें देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एस ई, ठीक है ना बच्चों? ये एस ई नहीं आएगा, ये तो एक क्रिया हो जाती है, सी ई आता है इसमें, ठीक है ना? लिखने में हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, एस ई एन टी ई एन सी ई, ठीक है? तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमने जाना था, हर एक सेंटेंस का एक पैटर्न होता है कि इसमें जो हम प्रयोग करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, हेल्पिंग और हमने देख लिया इज, एम, आर का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद वाक्य में ETC और फुल स्टॉप आ जाता है। जैसे कोई भी मैं सेंटेंस लिखूं, कैसा भी सेंटेंस, जैसे मान लो मैं कोई ईजी सेंटेंस लिखता हूं, जैसे वे, मैंने लिखा वे TV देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो वे TV देख रहे हैं। बात आती है कि इसको बनाएं कैसे, तो वे कौन, दे, आपको पता है दे का प्रयोग करेंगे, और दे क्या है, एक प्लूरल बहुवचन का प्रोनाउन है, दे के साथ यूज होता है बच्चों आर, तो दे आर। टीवी को देखने को बोलते हैं वॉच करना, क्या बोलते हैं, वॉच करना, तो दे आर वॉच, WATCH और उसमें लगा देंगे ING, वॉचिंग TV, तो दे आर वॉचिंग TV। तो बच्चों ये सेंटेंस हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। आ गया समझ में? आगे चलते हैं, देखो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, आप बिल्कुल बेझिझक बिना दबाव के जो है आप पढ़िए। कुछ और सेंटेंस में देखें, जैसे कि मैं कहूँ कि
सेंटेंस देख रहे हैं पॉजिटिव के, पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए इसमें क्या करेंगे, कुछ भी सेंटेंस और लेके चल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ इसको कैसे बनाएंगे, तो मैं कौन, आई, ठीक है। अब लिख रहा हूँ दे दिया पता है, तो आई के साथ एम लग जाएगा। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, डब्ल्यू आर आई टी ई, टी ई आता है बच्चों, लेकिन आई एन जी लगने पर जो है ई हट जाता है, तो आई एम राइटिंग ए लेटर। बताओ कहाँ प्रॉब्लम आई, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत इजी तरीके से चल रहे हैं सेंटेंस जो है अपने, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, हम लेके चलते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस, एन ई जी ए टी आई वी ई, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, कौन सा हो जाएगा ये, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बच्चों आपको पता है, जब पॉजिटिव में नकारात्मक रूप दे देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि सेंटेंस इसका पैटर्न बनाते हैं, सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज, एम, आर, और इसके बाद लगा देंगे नोट। आपको पता है नोट हमेशा, मैंने पहले ही बताया, तीसरे स्थान पे आता है, 1, 2 and 3 यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड में जो है ये चौथे स्थान पे आता है, और प्रश्नवाचक जब पढ़ेंगे आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव उसमें तीसरे स्थान और चौथा स्थान दोनों लेता है, उसके बाद वर्ग की फोर्थ फॉर्म आगे देखेंगे। तो वाक्य को बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव का वाक्य मैं जैसे लेता हूँ कि हमने कहा, जैसे तुम खाना नहीं खा रहे हो, या कुछ और लेते हैं, अध्यापक बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लिया मैंने, अध्यापक बातें नहीं कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, अध्यापक बातें नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या लिखेंगे, अध्यापक के लिए आता है टीचर्स, टी ई ए सी एच ई आर एस, टीचर्स, अब प्लूरल हो गया तो क्या लगा देंगे, आर, उसके बाद नॉट, अब बात करने को क्या बोलते हैं बच्चों, टॉक बोलते हैं, तो टीचर्स आर नॉट टॉक, टी एल के, और टॉक में क्या लगा देंगे, आई एन जी। ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा वाक्य लेके देख लें, जैसे मान लो मैंने कहा मैं नहीं खेल रहा हूँ, नहीं खेल रहा हूँ, ये वाक्य मैंने बनाया, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनाएं, कैसे बनाएंगे इंग्लिश, तो देखें मैं कौन, आई, आई के साथ एम, फिर लग गया नॉट, आई एम नॉट खेलने को क्या बोलते हैं, प्लेइंग, क्या लग गया, प्लेइंग। तो ये बन गया हमारा बच्चों कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। बताओ कहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस आपको वोकेबलरी का पता होना चाहिए। आगे चलें, आप देखते हैं आगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अब लेके चलेंगे हम लोग इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले लेते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों, क्लियर आ रहा है ना, ओके क्लियर आएगा, थोड़ा सा ये पेज को लेता है, वाइटनेस करता है, उसके बाद नहीं लेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव आप जो भी जानते हैं इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य बच्चों दो तरह से होते हैं, मैंने बताया था, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और एक डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाला, दो तरीके के होंगे प्रश्नवाचक। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला बनाते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है हमारे पास इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट,
उसके बाद में क्या लेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड में जो भी डब्ल्यू एच वर्ड होगा, वॉट, वैन, वेयर, वाई, विच, उसको पहले लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए ये हमेशा शुरू होगा क्या से, जिसका जवाब हाँ या ना में होगा, और इसमें पूछा जाएगा रीजन कैसा भी। जैसे मैं सेंटेंस लिखूँ, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, हाँ मैंने ऐसे नहीं पूछा क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, नहीं, क्या तुम खा रहे हो, तो क्या आ जाएगा, क्या आया शुरू में, तो क्या का मतलब वॉट नहीं लगाना है बच्चों, हाँ या ना में दिया हाँ खा रहा हूँ, नहीं नहीं खा रहा हूँ, तो क्या तुम आया है, तो क्या लग जाएगा इसमें आर, यू के साथ में आर, तो आर यू, उसके बाद खा रहे हो तो ईट हो जाएगा, ई ए टी, और ईट में लगा दिया आई एन जी, आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो, ठीक है, क्या तुम खा रहे हो। एक वाक्य, क्या तुम सो रहे हो, क्या लिया मैंने, क्या तुम सो रहे हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, वही तुम आया है तो आर यू, आर यू स्लीप लगाएंगे पहले, ठीक है, एस एल डबल ई पी, और लगा देंगे आई एन जी, आर यू स्लीपिंग, सेंटेंस बन गया ना अपने आप ही, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखिए क्या तुम खा रहे हो, तो ऐसे बना, अब इसी को बनाऊँ, तुम क्या खा रहे हो, देखो मैं यहाँ पर बनाऊँ, तुम पहले लिया, तुम क्या खा रहे हो, देखिए वाक्य वैसा ये थोड़ा सा घुमा दिया इसमें, तुम क्या खा रहे हो, तो हाँ ना में जवाब है क्या, नहीं, इसमें वस्तु का नाम बताना पड़ेगा, तो तुम क्या खा रहे हो, अब क्या कौन है यहाँ पर, वॉट, डब्ल्यू एच ए टी, वॉट, वॉट्स में लगा देंगे हम सीधा ही आर, वॉट आर यू, तुम आए हैं और खा रहे हो, क्या बोलते हैं, ईटिंग, वॉट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, अब यहाँ पर बताना पड़ेगा, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, तुम कहाँ सो रहे हो, तुम क्यों सो रहे हो, तुम क्यों सो रहे हो, ठीक है, तो तुम क्यों आया है, तो पहले तुम वाई लगा देंगे, अब तुम यानी कि यू, तो वाई के साथ भी आ रही लगा, वाई आर यू, वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो, बताओ कहीं प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम नहीं आई ना, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो दो तरह से है, हेल्पिंग वर्ड से और डब्ल्यू एच वर्ड से, ठीक है, आगे चले। अब इसका लास्ट है बच्चों, और हमारा ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो पूरा हो जाएगा, और वो है कौन सा, देखिए वो आएगा इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो अब पढ़ते हैं, अब दोनों को साथ पढ़ना पड़ेगा हमें, तो दो तरह से होगा ये भी, एक तो क्या से शुरू और एक डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू, ठीक है, तो क्या से शुरू में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इज, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वी फोर, डब्ल्यू एच वर्ड में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, सिर्फ हमने नोट देखे ऐड किया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही इज एम आर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वी फोर, और क्वेश्चन मार्क, समझ में आया आपको। अब देखिए अब इसमें सेंटेंस हम बनाते हैं, उन्हीं सेंटेंस को लेकर के थोड़ा सा, जैसे कुछ भी लेकर के बना सकते हैं, पहले तो क्या से बनाया हमने, तो क्या से कोई वाक्य क्या आया, देखिए क्या
वह क्या वह नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, क्या वह नहीं लिख रहा है, ये क्या वह नहीं लिख रहा है, तो क्या बनाएंगे, क्या आया, तो इसका मतलब वॉट नहीं होता बच्चों, रहा है रही आया, हमें ये देखना है इज एमआर, तो इसमें वह आया तो इज लगाएंगे, इज ही और नॉट, देखिए पैटर्न ऐसा ही काम कर रहा है, ठीक है। अब लिखने को राइटिंग, इज ही नॉट राइटिंग, इज ही नॉट राइटिंग, बताओ कैसा लगा, आया ना अपने आप ही। एक और सेंटेंस लेके चलते हैं, जैसे कुछ भी ले लो, कुछ भी सेंटेंस कैसा भी होगी, क्या तुम खाना, क्या तुम नहीं खा रहे हो, ठीक है ना, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, खेल रहे हो, प्रश्नवाचक हो गया, तो क्या तुम नहीं खेल रहे हो, कैसे बनाएंगे सेंटेंस के अंदर, हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या चीज़, क्या लगाया, तुमसे आ गया आर, तो हमने बताया आर यू, आर यू के बाद नॉट थर्ड प्लेस, ऑलवेज थर्ड प्लेस पे होता है हमेशा, आर यू नॉट खेलना क्या हो जाएगा, प्लेइंग, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, प्लेइंग कर दिया, सही है, आगे समझ में। देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग दोनों सेंटेंस हम लेके चल रहे हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव भी हो गया और साथ में नॉट हमने यूज कर दिया तो नेगेटिव हो गया। अब इन्हीं सेंटेंस को हम डब्ल्यू एच वर्ड में यूज करना चाहें तो डब्ल्यू एच वर्ड में कैसे होगा, देखिए तुम क्या नहीं खेल रहे हो और जैसे तुम क्या नहीं लिख रहे हो, ठीक है। अब अलग से वाक्य में डब्ल्यू एच वर्ड में हमें लेकर के चलना है तो डब्ल्यू एच वर्ड का सेंटेंस कैसे बनेगा उस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए जैसे मैंने इजी सेंटेंस लिया कि वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसको बनाएं कैसे, तो क्यों आया तो वाई लगा देंगे शुरू में, ठीक है, क्या लगा देंगे, वाई, वाई इज ही, कैसे लगाएंगे, वाई इज ही, फिर आ जाएगा नॉट, फिर हम कर देंगे ईटिंग, ईटिंग फूड, ये आ गया प्रश्नवाचक। तो बच्चों इस तरह से क्या होगा, मैं सेंटेंस को ऐड करना होता है और ये हमारा जो है कंप्लीट कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छा है, इसमें कई तरह की, दो तरह की वर्ब है जो काम करे, जो हमारे कई काम आएगी, स्पोकन में भी काम आएगी, रिटन में भी काम आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, देखिए, ठीक है ना, और तब तक आप रेडी हो जाइए, इनको अच्छे से पढ़िए, ओके, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ओके, गुड डे, गुड बाय।